नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, हम आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अभी तक हमने क्या क्या सीखा एक बार के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने आज तक सीखा कि क्लॉक में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच एंगल निकालना, उसके बाद हमने सीखा कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से कोइंसाइड कब करेंगी, और फिर हमने सीखा था मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से परपेंडिकुलर या लंबवत कब होंगी, और तीसरी चीज हमने सीखी थी मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से स्ट्रेट या फिर हम इसको कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, या फिर हम इसको कह सकते हैं 180 डिग्री कब होंगी। यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है गुरु दोस्तों। तो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि जो जो हमने पिछले वीडियो में सीखा है, एंगल निकालना और कोइंसाइड परपेंडिकुलर स्ट्रेट, इसके अलावा हमारे जो नए नए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेवल के आ रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम आज के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन हमारा है, जैसे दो घड़ी हैं जिसमें एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट का गेन करती है, और दूसरी घड़ी हर घंटे 5 मिनट का लॉस करती है। यदि दोनों घड़ी एक साथ 12 बजे चलाई जाए तो कितने घंटे बाद वे फिर एक समय दिखाएंगी या शो करेंगी। तो दोस्तों,
इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझेंगे। जैसे हमारी एक कोई घड़ी है, वो हर घंटे 5 मिनट का गेन करती है, मतलब वो 60 मिनट में 65 मिनट चलती है, और जो दूसरी घड़ी है वो हर घंटे 5 मिनट का लॉस करती है, तो वो कितना चलती है, 1 घंटे में 55 मिनट चलती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमारी जो दोनों घड़ी है वो हर घंटे में कितना डिफरेंस आ रहा दोनों के बीच, 10 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट हमारा पहला घड़ी गेन कर रहा है, दूसरा घड़ी 5 मिनट का लॉस कर रहा है, तो डिफरेंस इनका कितना हो जाता है दोस्तों, 10 मिनट का। और दोस्तों अगर कोई घड़ी एक साथ चलाई जाए और उनके बीच अगर डिफरेंस 10 मिनट का आ रहा है, तो मतलब हमको क्या होगा, अगर वो एक साथ 12 बजे चलाई जा रही हैं और दोबारा हमसे पूछता है कि कब वे फिर एक साथ एक ही समय शो करेंगी, तो दोस्तों अगर इनके बीच 24 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा तो हमारा फिर से एक साथ शो करेंगी 24 घंटे का में भी, और अगर 12 घंटे का हम डिफरेंस निकाल लें कि 12 घंटे का डिफरेंस इन दोनों के बीच कब आएगा, जैसे अगर दोपहर के 12 बजे दोनों चलाई गई और इनके बीच अगर 12 घंटे का डिफरेंस कर देंगे तो दोनों घड़ी में फिर से 12 बज होंगे। तो दोस्तों अगर हमको इसको निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि दोनों घड़ी में 12 घंटे का डिफरेंस कितने घंटे में आ रहा है। तो हमको दोस्तों हमने यहाँ से सीखा कि जो गेन वाली घड़ी है और एक लॉस जो लूज कर रही है टाइम, तो अगर वो दोनों 12 बजे एक साथ चलाई जा रही हैं तो एक घंटे बाद गेन वाली घड़ी में 1:05 हो रहे होंगे, और जो हमारी 5 मिनट का लॉस कर रही है उसमें हमारा कितना होगा दोस्तों, 12:55 पर, तो इसमें हमारा डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 10 मिनट का। अगर ऐसे ही देखा जाए 2 आवर लेटर, तो दोस्तों हमारा 2 आवर लेटर कितना हो जाएगा इसमें, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 2:10, और जो लॉस जो लूज कर रही है 5 मिनट का उसमें हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 1:50। अब कितना डिफरेंस हो गया दोस्तों, 20 मिनट का। अगर यही डिफरेंस हम 12 घंटे का ला दें तो हमारा क्या होगा, दोनों घड़ी एक साथ एक ही समय शो करेंगी, तो 12 घंटे का डिफरेंस 2 घंटे में हमारा आ रहा है 20 मिनट का। इसी तरह अगर हम 24 घंटे का देख लें तो 24 घंटे में हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले 12 घंटे का हम लोग निकाल लेते हैं, 12 घंटे में डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 120 मिनट। हमने देखा 1 घंटे में 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 घंटे में 120 मिनट मतलब कितना हो गया दोस्तों, 2 आवर। तो इसी तरह 24 घंटे में कितना डिफरेंस आएगा, 4 आवर। और अगर हमारा 24 घंटे में 4 आवर का डिफरेंस आ रहा है, हमको डिफरेंस टोटल लाना कितना है दोस्तों, 12 घंटे का। तो 12 घंटे का अगर हमको डिफरेंस लाना है तो हमारा जैसे 4 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा है, उसी तरह अगर हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 72 आवर में हमारा 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। जब 72 आवर में 12 घंटे का डिफरेंस आ गया तो 12 घंटे का डिफरेंस होने पे दोनों घड़ी एक ही साथ एक ही समय शो करेंगी, तो एक में बस इतना डिफरेंस आएगा, एक में एएम हो रहा होगा और दूसरे में पीएम हो रहा होगा, बट समय दोनों में एक ही होगा। अगर एक में दोपहर के 12 बज रहे होंगे उस समय, तो दूसरे में रात के 12 बज रहे होंगे, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। लेकिन समय अगर देखा जाएगा तो 12 उसमें भी बज रहे हैं और 12 उसमें भी बज रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में हमको करना कुछ नहीं है कि हमको डिफरेंस देखना है कि 12 घंटे का डिफरेंस कितने घंटे में आ रहा है। तो 12 घंटे का डिफरेंस कितने घंटे में आ रहा है दोस्तों, 72 घंटे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 12 घंटे का डिफरेंस आ गया कितने, 72 घंटे में। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि 72 घंटे बाद दोनों घड़ी सेम टाइम शो करेगी। तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे इस क्वेश्चन में भी दूसरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, राम ने श्याम से बताया
बताया कि दिल्ली के लिए बस हर 30 मिनट पर है, और जो पिछली बस थी वो 5 मिनट पहले चली गई और अगली बस 2:20 पर है। तो राम ने श्याम को यह बात कितने बजे बताई। तो दोस्तों यह हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। जैसे दिल्ली के लिए हर बस कितने घंटे में है, हर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट पर। तो दोस्तों अगर हर आधे घंटे में दिल्ली के लिए बस है, हर 30 मिनट में, हर आधे घंटे में दिल्ली के लिए बस है, और पिछली बस हमारी कितने मिनट पहले चली गई, पिछली बस हमारी 5 मिनट पहले चली गई और कितने बजे गई, 2:20 पर। तो जो हमारी पिछली बस थी वो कब गई, 2:20 पर। अगर 2:20 पर पिछली बस गई थी सॉरी दोस्तों 2:20 पर अगली बस जाएगी, अगली बस हमारी 2:20 पर जाएगी, तो हमारी पिछली बस कितने मिनट कितने बजे गई दोस्तों, 2:20 में 30 मिनट अगर हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, 1:50। मतलब 1:50 पर पिछली बस गई होगी और बस जाने के 5 मिनट बाद राम ने श्याम को बताया। इसका मतलब क्या हुआ, बस निकलने के 5 मिनट बाद जब राम ने श्याम को बताया तो उस समय कितना टाइम हो रहा होगा, तो उस समय हमारा क्या करेंगे, 1:50 पे बस निकली और उसके 5 मिनट बाद राम ने बताया था श्याम को, तो वो 5 मिनट हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो हमारा वो समय हो रहा होगा 1:55। तो ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो घड़ी हैं, जिसमें एक घड़ी में हर 16 मिनट पर अलार्म बजता है और दूसरी घड़ी में हर 18 मिनट पर अलार्म बजता है। यदि दोनों 12 बजे एक साथ अलार्म बजी हो तो दोबारा वे कब एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि पहली घड़ी हर 16 मिनट पर अलार्म बज रही है,
दूसरी घड़ी में हर 18 मिनट पर अलार्म बज रही है, तो और इनका जो जो एक साथ बजना है वो 12 बजे है। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो 16 और 18 जो हर जो मिनट दिया हुआ कि कितने मिनट पर वे अलार्म बजते हैं, इनका एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 16 का और 18 का। एलसीएम निकालना तो आप जानते ही होंगे, 16 और 18 का एलसीएम हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 144 मिनट। 144 हमारा क्या होगा दोस्तों, 2 आवर 24 मिनट। यानी कि अगर वो 12 बजे एक साथ अलार्म बजी हैं तो उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो अगर 12 बजे बजी हैं और उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद एक बार एक साथ बज रही हैं तो कितने बजे बजेंगी दोस्तों, तो वे एक साथ बजेंगी। 12 बजे बज रही थी और उसमें 2 आवर 24 मिनट ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 बजकर 24 मिनट पर एक साथ बजेंगी। ये हमारा दोस्तों हो गया आंसर। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नोट करेंगे, एक घड़ी प्रत्येक दिन 30 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाए तो प्रातः यानी मॉर्निंग में 4 बजे क्या समय दिखाएगी या शो करेगी। तो दोस्तों हमारी घड़ी जो है हर प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हर 24 घंटे में कितना आगे हो रही है, 30 मिनट, और कितने बजे हमारा सेट करके चलाया गया, 12 बजे सेट करके चला दिया गया दोपहर में, वो भी 12 बजे दोपहर में, और फिर पूछा कितने बजे है, सुबह 4 बजे। अगर 24 घंटे में 30 मिनट का उसका आगे बढ़ रही है तो 12 से 4 के बीच में कितने घंटे हो गए दोस्तों, 12 बजे दोपहर से सुबह 4 बजे, इनके बीच हमारा कितना टाइम हो गया दोस्तों, 16 घंटे का। 12 से 12 1 2 3 4 16 घंटे, तो 16 घंटे हमारे चल चुके हैं। अगर 24 घंटे में 30 मिनट है तो 16 घंटे में कितने होंगे, ये भी निकाल लेते हैं। 24 घंटे में 30 मिनट चल रही है आगे, तो 16 घंटे में कितना आगे जाएगी, 30 / 24 × 16। यानी कि 16 घंटे में घड़ी 20 मिनट आगे चल गई होगी, और हम 4 बजे सुबह देख रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, 4 बजे अगर हम देख रहे हैं और 20 मिनट हमारी आगे घड़ी चली गई है, तो सुबह 4 बजे हमारी घड़ी कितना टाइम शो कर रही होगी, 4 तो हमारा एक्चुअल टाइम है, आगे कितना गया, 20 मिनट, तो हमारा जो घड़ी में शो हो रहा होगा 4 बजकर 20 मिनट।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे घड़ी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे। पहले मैंने सीखा एंगल निकालना, फिर हमने परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, और फिर उसके बाद में हमने सीखा कॉइनसाइड होना। उसके बाद हमारा तीसरे में आया कि चौथे लेक्चर में आया हमारा कि घड़ी के अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट आजकल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं वो इस तरह से डायरेक्ट ये ना पूछ के परपेंडिकुलर कब होंगी या स्ट्रेट कब होंगी, ये पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नए टाइप में हमारे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि थोड़ा इंसान को सोचे। तो इसमें हमारा कोई न्यूमेरिकल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बस इसमें सोचना होता है कि हमारा अगर कोई भी घड़ी, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हमको कुछ नहीं करना था कि बस हमको ये निकालना था कि हमारी घड़ी 12 घंटे कितने घंटे में आगे बढ़ रही है, अगर हमारा एक साथ समय शो करना। बस हम इसमें सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं ये देखते हैं। आजकल आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी आएंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को लगाने बैठेंगे मुश्किल से 20 सेकंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे क्लॉक पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स हम ज़रूर से ज़रूर मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।